ये बहुत छोटा सा टॉपिक है आज। वैसे बहुत छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, दैट इज इन्फिनाइट सीरीज। तो हमें एक इन्फिनाइट सीरीज दी होगी, उस इन्फिनाइट सीरीज के अंदर से हमें क्या करना रहेगा, डीवाई बाई डीएक्स निकालना रहेगा, ठीक है। एक्स एंड वाई के अंदर एक इन्फिनाइट सीरीज रहेगी। जैसे बड़ी सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, वाई इज इक्वल टू वन बाय, या फिर एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो रिपीट होता जा रहा है, ये समझ रहे हो, राइट। वो क्या बोल रहा है, फाइंड वाई डैश या डीवाई बाई डी एक्स निकाल दो, बस बात करता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज आ गई, राइट। अब यहां से डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, राइट, या यहां से डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फाइनाइट रिलेशन होना चाहिए एक्स एंड वाई के बीच में, और इनफाइनाइट सीरीज से हम क्या करेंगे, पैटर्न पहचानेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने ये एक्स प्लस वन बाय हटा दिया तो सिर्फ ये वाला पैटर्न लेके गया, ये तो अपने आप में ये ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर मैं एक पैटर्न हटा भी दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो ये वाला जो चीज आया, राइट, ये तो अपने आप में एक नया वाई बन गया। तो मैं इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय, मैं ये लिख सकता हूं। ये चीज क्लियर हुई? पहले ये चीज समझो, ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो ये इन्फिनिट पैटर्न में से अगर मैंने एक, देखो यहां पे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, तो अगर ये इन्फिनिट पैटर्न में से एक पैटर्न अगर मैंने हटा भी दिया तो जो मेरे पास बचेगा वो वापस से क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वाई हो जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। अब कुछ नहीं करना, अब यहां से y डैश निकालना अपने को, ये तो इजी हो गया। तो क्या हो गया, y डैश इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाय y का डेरिवेटिव, 1 बाय y का डेरिवेटिव, पहले y की पावर माइनस वन लेके जाओगे तो माइनस वन आगे आ जाएगा, y की पावर माइनस टू हो जाएगा, तो बेसिकली बन जाएगा आपका माइनस वन बाय वाई स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव। अब इसको इधर ले आओ, y डैश प्लस y डैश बाय वाई स्क्वायर दैट इज 1, y डैश कॉमन 1 प्लस 1 बाय y स्क्वायर दैट इज 1, बस क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो एलसीएम लेके, तो ये y डैश आ जाएगा आपका y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर एंड वी आर डन। क्लियर हुआ? वैल्यू क्यों डालनी है, इनफिनिट सीरीज तो हटाना मोटिव था। क्लियर हुआ? राइट, ये नोट करो, बिल्कुल ये प्रूव करना आपको, ठीक है। तो क्या किया, इन्फिनिट पैटर्न पहचानना, ठीक है। तो एक e की पार x प्लस अगर मैंने हटा दिया तो ये भी क्या बन जाएगा, y, तो मेरा यही चीज क्या बन जाएगी, ये y बन जाएगा, तो ये बन गया y इज इक्वल टू e की पार x प्लस y, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो, तो y डैश दैट इज इक्वल टू e की पार x प्लस y का डेरिवेटिव e की पार x प्लस y एज इट इज, राइट, ये एज इट इज इंटू वन प्लस वाई डैश, है ना, एक्स का डेरिवेटिव वन वाई का वाई डैश। अब देखो एक और चीज, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज की जगह वाई, तो इसकी जगह वाई लिख सकता हूं मैं, तो मेरा बन जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू वाई इंटू वन प्लस वाई डैश। ये इसलिए किया क्योंकि जो फाइनल चीज प्रूव करनी है उसके अंदर ई की पावर वाला कोई चीज है नहीं, तो इसलिए वो चीज हटा दी, राइट। अब वाई डैश दैट इज इक्वल टू वाई प्लस y y डैश, अब इसको इधर ले आओ, y डैश कॉमन 1 और इधर से आ जाएगा माइनस y, दैट इज इक्वल टू y, तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाय 1 माइनस y, एंड वी आर डन। क्लियर हुआ? राइट, ये नोट करो।
अगला लिखो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर पैरामेट्रिक का वर्ड का मतलब समझ लो, ये कब यूज किया जाता है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली कब यूज की जाती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मान लो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इन जनरल इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, सेंटर इसका 0,0, रेडियस इसका ए, यहां तक क्लियर है राइट। अब देखो इसके ऊपर आने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा इन जनरल एक्स कोमा वाई होगा, और वही एक्स कोमा वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, इसी की इक्वेशन है हमारी राइट, ये क्लियर है। अब देखो ये ए आ गया रेडियस, अब ये थीटा, अब ये जो एक्स कोमा वाई है ये एक्चुअली में एक्स कोमा वाई के अंदर एक्स एंड वाई है क्या, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, तो ये वाई एक्ट करेगा एंड ये एक्स एक्ट करेगा, हाँ या ना। तो कहने से एक्स बाय ए इज कॉस थीटा एंड वाई बाय ए इज साइन थीटा, तो मेरा यहां से एक्स क्या बन गया, ए कॉस थीटा एंड वाई क्या बन गया, ए साइन थीटा राइट। तो इसी इक्वेशन की जो एक्स एंड वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, अब इसी को हमने इसके थ्रू रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, दैट इज एक्स इज माई ए कॉस थीटा एंड वाई इज माई ए साइन थीटा राइट। अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ध्यान से इस पूरी प्रोसेस को समझो। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि एक ऐसा टाइप का रिलेशन जो एक्स एंड वाई को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा है। यहां पे क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर क्या था, एक्स एंड वाई डायरेक्टली रिलेटेड था, एक्स के चेंज करने पर वाई कैसे चेंज करेगा ये मेरे को वो बता रहा है। अब यहां पे क्या है कि ये दोनों के दोनों एक्स एंड वाई किसी और वेरिएबल जिसको हम क्या बोलते हैं पैरामीटर, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे पैरामीटर चेंज करेगा वैसे वैसे एक्स एंड वाई चेंज करेगा, तो दैट थर्ड वेरिएबल जिसके ऊपर एक्स एंड वाई दोनों के दोनों डिपेंडेंट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम पैरामीटर। तो अब देखो यहां से डीवाई बाई डीएक्स निकाला जा सकता है, तो भैया यहां से भी डीवाई बाई डीएक्स निकाला जा सकता है। अब यहां से डीवाई बाई डीएक्स निकालने को हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि हमें एक्स एंड वाई जो दे रखा है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, वो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई नहीं दे रखा है, ये समझ में आया। तो इस टाइप की जो इक्वेशन आएगी, अच्छा दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल बाय द वे, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वेशन के अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, यस सर राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले पैरामेट्रिक फॉर्म की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, देखो यहां पे क्या चीज इंट्रोड्यूस की गई है, पैरामीटर। तो भैया अगर मैं पैरामीटर को हटा दूंगा, मान लो किसी ना किसी तरीके मैंने यहां से थीटा एलिमिनेट कर दिया, तो ऑब्वियसली मेरे को एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन बन जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, और वो तो यही है। तो इसके अंदर अगर मैंने पैरामीटर हटा दिया तो ऑब्वियसली मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाना चाहिए, और इसके अंदर अगर मैंने पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया तो मेरे को ये एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा मिल जाना चाहिए। अब यहां से अच्छा थीटा को एलिमिनेट करने का तरीका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, वही चीज इधर करेंगे, अपने आप करेंगे, तो ये चीज बन जानी चाहिए राइट। तो अब यहां पे पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएशन करने का दो तरीके है हमारे पास, पहला ठीक है एलिमिनेट पैरामीटर टू फाइंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो अगर हो रहा है, एंड एक्स एंड वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकाल लो। अच्छा अगर डीवाई बाई डीएक्स निकालने के लिए उसने बोला और प्रूफ दैट करने के लिए बोला और उसके अंदर टी वगैरह इंट्रोड्यूस हो रहा है, टी मतलब पैरामीटर वगैरह है, तो फिर एलिमिनेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जो चीज प्रूव करनी है वो पैरामेट्रिक फॉर्म है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है अपने को। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को जो प्रूव करना है, मतलब सॉरी जो डीवाई बाई डीएक्स निकालना है, वो पहली बार तो निकालना है, वो प्रूव नहीं करना है राइट, फिर तो कुछ भी कर सकते हो तुम राइट। और साथ में अगर डीवाई बाई डीएक्स के अंदर पैरामीटर आ ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स पैरामीटर को एलिमिनेट करना मोटिव है सबसे पहले भैया,
तो उसको एलिमिनेट करो। तो पैरामीटर को एलिमिनेट करके अगर एक्स एंड वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, उसके बाद फाइंड डीवाई, उसके बाद डीवाई बाय डीएक्स निकाल लो। फिर तो ये सिंपल पिछला वाला क्वेश्चन ही बन गया हमारा, है ना, जितने भी अभी तक हमने टाइप्स कवर अप किए उसी के टाइप का बन गया। ठीक है, एक तो ये मेथड आ गया। दूसरा, अगर मेरे को बेसिकली वाई एक फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, जैसे यहाँ पे फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा, मतलब यहाँ पे हम टी को पैरामीटर मान के जा रहे हैं, एंड एक्स मेरे को अनदर फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, ये समझे, राइट, वेयर टी इज द पैरामीटर। अब टी पैरामीटर है तो एक्स जो है मेरा वो भी फंक्शन ऑफ पैरामीटर है, वाई जो है वो भी फंक्शन ऑफ पैरामीटर है। जैसे यहां पे एक्स जो है वो भी थीटा का फंक्शन है, वाई जो है वो भी थीटा का फंक्शन है। तो अब अगर मेरे को ये चीज दे रखी है तो मेरे को डेरिवेटिव कैसे, तो मैं डीवाई बाई डीएक्स कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, यहां पे डीवाई बाई डीएक्स क्या आ जाएगा, दैट इज डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डीएक्स बाई डी टी, दैट्स इट। न्यूमरेटर में आएगा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको कभी ऐसा शो मत करना कि डी टी बाई डी टी कट जाता है और डीवाई बाई डीएक्स ही बचेगा, ऐसा शो नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ठीक है, तो ऐसा काटना नहीं। अब तो अगर मेरे को इसी क्वेश्चन के अंदर इसका डेरिवेटिव करना है तो मेरा डीवाई बाई डीएक्स क्या जाएगा, पहले वाई का डेरिवेटिव करो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, बेसिकली क्या आ जाएगा डीवाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डीएक्स बाय डी थीटा। अब डीवाई बाई डी थीटा क्या आ गया, ए कॉन्स्टेंट है, ए रेडियस है एज इट इज, तो ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए एज इट इज इंटू माइनस साइन थीटा, ए कटा तो आ गया माइनस कॉट थीटा, तो ये मेरा डीवाई बाई डीएक्स आ गया, बात खत्म। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरा डीवाई बाई डीएक्स आया वो आया माइनस कॉट थीटा। अब ये जो आया आंसर बाय द वे, ये किस फॉर्म में आंसर आया मेरा, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता इसका 2y, सॉरी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y y डैश दैट इज a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो यहां से 2y y डैश दैट इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 कटा तो y डैश क्या आ गया। अब बच्चा बोलता है यार कि अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो मेरा डेरिवेटिव माइनस x बाय वाई आ रहा है और पैरामीट्रिक का मेरा डेरिवेटिव माइनस कॉट थीटा आ रहा है, तो इन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है, क्या ये दोनों सेम है, डिफरेंट है, कैसे, एग्जैक्टली यहां से एक्स बाय वाई निकाल लो, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा कॉट, तो ये एक्चुअली में माइनस कॉट थीटा लिख रखा है। तो एक्चुअली में तुम चाहे पैरामेट्रिक निकालो चाहे डायरेक्टली करो आंसर सेम आएगा, मैनिपुलेटेड फॉर्म होगा एक दूसरे का आएगा लेकिन सेम, ये चीज क्लियर हुई पक्का। तो अगेन अब दोबारा समझो, पैरामेट्रिक फॉर्म का पहली बात तो मतलब क्या होता है कि एक्स एंड वाई आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, राइट, थ्रू थर्ड वेरिएबल दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, राइट। तो इसके अंदर होगा क्या, x भी एक फंक्शन ऑफ पैरामीटर होगा, y भी एक फंक्शन ऑफ पैरामीटर होगा, इन जनरल ये चीज t पैरामीटर लेके जा रहे f of t g of t। अब अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना है dy by dx करना है तो मैं न्यूमरेटर में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा, तो अपने आप मेरा क्या बन जाएगा dy by dx। तो जैसे एग्जांपल x equal to a cos theta था, y equal to a sin theta था, तो इसका डेरिवेटिव पहले हमने किया क्या आ गया a cos theta, तो न्यूमरेटर में a cos theta, नीचे dy by d theta किया तो इसका डेरिवेटिव a cos का आ गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा नीचे आके a कटेगा तो याद आएगा माइनस कॉट थीटा, तो ये मेरा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होगा, राइट। दूसरा मैं ये भी कर सकता हूं, राइट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, अगर प्रूफ दैट के अंदर जो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है उसके अंदर पैरामीटर है ही नहीं, उसके अंदर ये प्रूफ करना है, तो मैं यहां से सबसे पहले क्या करूंगा, पैरामीटर को इलिमिनेट करूंगा, थीटा को इलिमिनेट करूंगा, इलिमिनेट करने के बाद जो मेरे को रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन का डेरिवेटिव करके मैं करूंगा, तो ये मेरा दूसरा मेथड आ गया। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है ये चीज, प्लीज कंफर्म करो, यस सर, राइट, इधर श्योर, जल्दी
चलो तो अपने को डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, राइट। अब यहां पे वाई दे रखा है ए साइन टी, एक्स दे रखा है ए कॉस टी प्लस हाफ लॉग टी स्क्वायर टी बाय टू, तो टी की फॉर्म में दे रखा है, राइट। तो ऑब्वियसली पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो क्या आएगा अपना डीवाई बाई डी एक्स, दैट इज डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, दोनों के दोनों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में डीवाई बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, ए कॉस टी। ये तो भैया बहुत सिंपल हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो डीएक्स बाई डी टी जाएगा वो मुश्किल जाएगा, तो डीएक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ए एज इट इज। अब कॉस का डेरिवेटिव प्लस हाफ एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव जो भी होता है लॉग के अंदर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज नीचे आ गया टेन स्क्वायर टी बाय टू, और न्यूमरेटर में आएगा अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव में पहले पावर टू का डेरिवेटिव होगा, तो टू टेन टी बाय टू की पावर वन, वो तो यही बचा, इंटू टेन का डेरिवेटिव टी बाय टू इंटू टी बाय टू का डेरिवेटिव वन बाय टू। बच्चों को देख के जो मुश्किल लगता है लेकिन एक्चुअली में बहुत सिंपल है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये टू और ये टू कटा, एक टेन टेन कटा, राइट, ये ए ए कटा, तो ये आ गया कॉस टी डिवाइडेड बाय माइनस साइन टी प्लस, ये डिनोमिनेटर में टू है, ये टेन जो होगा ये आ जाएगा साइन टी बाय टू, ऊपर आ जाएगा कॉस टी बाय टू, राइट। साथ में ये सीक्वेंस क्या है, तो ये डिनोमिनेटर में जाके कॉस स्क्वायर टी बाय ये बचा अभी, तो ये कॉस टी बाय टू ये कॉस टी बाय टू के साथ कटा, तो टू साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू साइन का डबल एंगल, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में कॉस टी डिवाइडेड बाय ये वन बाय साइन टी माइनस साइन टी, तो दैट इज कॉस टी डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये साइन टी जो है ये ऊपर चला गया, ये वन माइनस साइन स्क्वायर टी बना कॉस स्क्वायर टी, ए कॉस टी कटा, तो आगे साइन टी बाय कॉस टी। तो भैया इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो डीवाई बाय डी टी जा रहा है, सॉरी डीवाई बाय डी एक्स जो जा रहा है, दैट इज नथिंग बट टेन टी, वो टेन टी जा रहा है। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर। जल्दी पहले देखो, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म दिखाई दे रही है, तो बच्चा पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन ये सोचो कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बहुत गंदा जाएगा, इजी नहीं जाएगा, इट्स अ डिफिकल्ट वन, राइट। मैं दोनों से करके दिखाता हूं, पैरामेट्रिक से भी, राइट, एंड एक और मेथड जो हमारा अल्टरनेट मेथड था जिसके अंदर हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते थे, तो दोनों से कितना सिंपल बढ़ जाएगा, किससे कितना सिंपल बढ़ेगा वो चीज देखना, ठीक है। ध्यान से देखो, तो अब ध्यान ये चीज को ऑब्जर्व करो पहले, है ना। अब इस चीज के अंदर मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है कि जो मेरा साइन इनवर्स टी है और जो कॉस इनवर्स टी है ये एलिमिनेट हो सकते हैं, कैसे, इन दोनों का सम क्या होता है पाई बाय टू, साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी क्या होता है पाई बाय टू, तो मैंने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करेंगे तब जाके जो पावर है वो ऐड होगी, तो मेथड वन इनका प्रोडक्ट कर दिया, तो एक्स वाई दैट इज इक्वल टू, अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट हुआ तो अंडर रूट कॉमन हो गया, क्या बन गया, ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी, तो इधर आके प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा, हाँ या ना।
राइट, और ये साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी क्या जाएगा, पाई बाय टू, तो ये बन गया ए की पावर पाई बाय टू का स्क्वायर रूट। तो पैरामीटर जो पैरामीटर था वो एलिमिनेट हो गया। अब जैसे पैरामीटर एलिमिनेट हो गया तो ये तो पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट बन गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, जीरो। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव करूंगा इस पूरी स्टेटमेंट को, तो एक्स वाई के अंदर प्रोडक्ट एक्स का एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन बचा वाई, दैट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव जीरो। तो वाई डैश क्या आ गया, माइनस वाई बाय एक्स, तो ये मेरा डेरिवेटिव बन गया। तो ये एक मेथड है जो कि बहुत सिंपल हो गया, दो तीन स्टेप्स के अंदर अंदर हमारा आंसर आ गया। एक तो ये मेथड है, दूसरा स्टैंडर्ड मेथड जो अभी हमने देखा क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले मेरे को करना है dy by dx निकालने के लिए dy by dt divided by dx by dt, ये अपने को करना है dy by dt divided by dx by dt। तो dy by dt निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले डेरिवेटिव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहां पे जो अंडर रूट है, पहले पावर 1 by 2 का डेरिवेटिव होगा, ये समझ रहे हो, पहले पावर 1 by 2 का डेरिवेटिव होगा, तो क्या आ जाएगा 1 by 2 इस पूरी चीज की पावर माइनस 1 by 2 इनटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, a की पावर cos inverse t का डेरिवेटिव। अब a की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, a की पावर समथिंग, तो यहां पे a की पावर cos inverse of t as it is इनटू cos inverse t का डेरिवेटिव माइनस 1 by root of 1 minus t square डिवाइडेड बाय, अब एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, पहले पावर 1 बाय 2 का 1 बाय 2 ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी की पावर माइनस 1 बाय 2 इनटू अंदर वाले का, अब ए की पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी इनटू साइन इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें यह प्रूव करना है भैया कि यह पूरा का पूरा कट वट के थोड़ा मुश्किल जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कब इलिमिनेट हो सकता है कब नहीं हो सकता। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब देखो जरा, ये हाफ और ये हाफ कटा, ये 1 by t square, 1 by t square, ये सब कट गया। तो अब ये जो चीज है ये डिनोमिनेटर में जाके रूट हो जाएगा, राइट, ये न्यूमरेटर में जाके, अब ये एज इट इज न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, n माइनस 1 एज इट इज, दैट इज डीवाई बाई डीएक्स। अब देखो ये पावर 1 बाय 2 है, ये पावर 1 है, तो पावर 1 बाय 2 पावर 1, तो ये कटके क्या आ जाएगा, इधर पावर हाफ, ऐसे ये कटके इधर क्या आ जाएगा, पावर हाफ। अब ये पावर हाफ जो है ये बेसिकली ये बना ना मेरा a की पावर cos इनवर्स का रूट, तो वो क्या आ जाएगा y, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस एज इट इज, ये y बन जाएगा और ये बन जाएगा तो माइनस फाइव एक्स, यही आ रहा है, आ वही रहा है, लेकिन थोड़ी गंदगी हुई इसके अंदर, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ जे, लॉग वेरिएबल की बार वेरिएबल होना चाहिए ना, इज अ कॉन्स्टेंट, अच्छा लॉग ए साथ में लॉग ए भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, एक एल एन ए भी आएगा, एल एन ए भी आएगा, वो भी कटेगा, हाँ लेकिन आएगा जरूर, बिल्कुल ये गलती थी, बिल्कुल आएगा लॉग ए भी आएगा, क्योंकि वही है एक ही बार एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक ही बार एक्स साथ में लॉग ए, बिल्कुल लॉग ए भी आएगा लेकिन वो कटेगा। क्लियर है अभी, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है, राइट, नोट करो जल्दी, डन। Done?
ठीक है आगे लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है देखो, जैसे हमारे पास dy by dx था, तो ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है हमारा राइट, यही होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज योर dy by dx। वही चीज हमें इधर करनी है, y की जगह क्या रख दो f एंड x की जगह क्या रख दो g, तो वो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये जो चीज है, इस चीज का मतलब क्या जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, ये हमें निकालना है राइट। और ये चीज पैरामेट्रिक से कोई डिफरेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, ये वाली जो चीज है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। जैसे उसके अंदर क्या होता था, y फंक्शन ऑफ t होता था, x फंक्शन ऑफ t होता था, तो इसको हम क्या लिख देते थे, dy by dt divided by dx by dt, यही लिखते थे पैरामेट्रिक में। वही चीज इधर है, ये अब अपने आप में x का पैरामीटर मतलब फंक्शन है, ये अपने आप में x का फंक्शन है, तो इस पूरी चीज का डेरिवेटिव क्या जाएगा, d by dx of f of x divided by d by dx of g of x, बस बात खत्म। तो ये मेरा एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, बात खत्म। ये पैरामेट्रिक से ही आया है देखा जाए राइट। अब जैसे एग्जांपल, ठीक है क्या बोलना है, डिफरेंशिएट करना है लॉग ऑफ साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ कॉस एक्स राइट, तो क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कोस एक्स, रूट ऑफ कोस एक्स मतलब कोस एक्स की पावर वन बाय टू। तो अब न्यूमरेटर में लॉग का डेरिवेटिव वन बाय साइन इंटू साइन का डेरिवेटिव टोटल डिवाइडेड बाय इसके अंदर पहले पावर वन बाय टू का और कोस एक्स की पावर क्या आ जाएगा माइनस वन बाय टू, है ना, वन बाय टू माइनस वन, तो माइनस वन बाय टू मतलब वो डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा इंटू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्लियर है यहां तक राइट, क्या बना एक नेगेटिव और ये डिनोमिनेटर के अंदर टू जा रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस टू, ये बन गया कॉस बाय साइन, इधर डिनोमिनेटर में साइन एक्स है और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके इधर हो जाएगा रूट कॉस एक्स, तो ये बन गया माइनस टू कॉट एक्स। या फिर एक काम करो ऐसे रहने दो, कोस की पावर थ्री बाय टू और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, बस बात करो। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है ये चीज, यस राइट, नोट करो। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो पहले इसका डेरिवेटिव करना है,
अभी है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चला गया, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले क्या करना होता है अपने को, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये तो एज इट इज डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए अब जनरली बच्चों को दिखाई देता है 1 - x2, तो बच्चा बोलता है एक्स डाल साइन थीटा डाल दो, राइट। लेकिन साथ में 1+ भी तो है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर 1+ और 1- आए तो क्या करना होता है, कॉस। तो यहां पे अब अपने को एक्स को नहीं डालना, एक्स स्क्वायर को क्या डालना है, कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा डालना है। तो ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, अंदर वाली चीज में बता रहा हूं, 1+cos θ का अंडर रूट, एंड ये बन जाएगा 1 - cos θ का अंडर रूट। अब इधर हाफ एंगल लगाया तो 1+2cos²θ/2 - 1, एंड इधर 1 - 1+2sin²θ/2। इधर लगाया कॉस का हाफ एंगल जो कि साइन की फॉर्म में है, इधर लगाया कॉस का हाफ एंगल जो कॉस की फॉर्म है, ताकि ये -1+1 कटे, ये -1+1 कटे। तो ये बन जाएगा मेरा √2, और बाहर ये क्या आ जाएगा, cos θ/2, और ये क्या आ जाएगा, √2 sin θ/2। तो अब ये चीज मेरी क्या बन जाएगी, tan इनवर्स, ये क्या बन गया, 1+x² अंडर द रूट, ये 1 - x² अंडर द रूट। तो 1+x² अंडर रूट क्या बन गया, ये, और ये बन गया ये, दैट इज √2 cos θ/2 - √2 sin θ/2, टोटल डिवाइडेड बाय ये √2 cos θ/2 + √2 sin θ/2। ये √2 कटा, सॉरी, ये tan इनवर्स, पीछे ये लास्ट वाला दिखाई देता है ना कंफर्टेबली, नीचे वाला, इसके कारण अच्छा, अब ऊपर नीचे cos से डिवाइड करके इसको tan में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 1 - ये बन जाएगा tan θ/2 / 1+tan θ/2, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा, tan π/4 - θ/2, और ये बन जाएगा π/4 - और यहां से थीटा निकाल लो, cos इनवर्स ऑफ x², तो ये मेरा बन गया π/4 - ½ cos इनवर्स ऑफ। तो अभी तक तो भैया जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना था उसको हमने सिंप्लीफाई किया, अब तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन का डेरिवेटिव, π/4 - ½ cos inverse of x² का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है तो d/dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x² क्या बन गया, जे π/4 का 0 माइनस हाफ एज इट इज cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x² का स्क्वायर इंटू x² का डेरिवेटिव टोटल डिवाइडेड बाय इसका -1/√1 - x^4 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, यहां तक क्लियर है, राइट। अब देखो ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर तो एज इट इज सेम है, तो ये एज इट इज बचा, क्या बचा, तो भैया एक्चुअली में इसका डेरिवेटिव -1/√2। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस। नहीं वो अलग है ना, यहाँ पे वो दोनों का मतलब ही अलग है, ये चीज का एंड cos इनवर्स ऑफ x² का मतलब ही अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, cos इनवर्स x का जो आउटपुट आ रहा है उसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे इनपुट का स्क्वायर होके अंदर जा रहा है, तो दोनों का मतलब, यहाँ पे x² था ये वाला था, चलो ये नोट कर लो।